बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज है शादी, जो कि मैं शादी का ब्लॉग लाई हूँ, जो कि हमारे आदिवासी में शादी कैसे होता है, मतलब कैसे शादी होता है, तो वही आप लोगों को शेयर करूँगी। तो हमारे घर के पीछे एक शादी है जो कि हम अभी जाएंगे, वहाँ पर थोड़ी सी मतलब अरेंजमेंट हो रही है, मतलब शादी करने जाएंगे, तो इसलिए मैं सोची चलो आप लोगों को शेयर कर देती हूँ, जो कि आप लोगों को थोड़ा सा भी हो तो पता चल जाए कि आदिवासियों का शादी कैसे होता है। तो चलो शादी पे ले जाते हैं। तो उससे पहले मुझे मेरा हेयर को बांधना है, क्योंकि मतलब हस्बैंड का बड़े भैया आसपास हैं बहुत, तो उनके सामने ऐसे खुले बाल नहीं जा सकते, ये हमारा नियम है, तो इनको बांधना पड़ेगा, फिर हम जाएंगे। तो चलो तब तक मैं बांध देती हूँ हेयर को। तो अभी देख सकते हैं मैंने जूड़ा बांध लिया है, जो कि खुले बाल नहीं रख सकते इसलिए जूड़ा बांध लिया है, और अभी जाएंगे शादी जहाँ हो रही है, मैं हमारे घर के ठीक पीछे। तो चलो आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे होता है हमारे आदिवासी का शादी, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिए, आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे, हम लोग आदिवासियों में बहुत इंजॉय करते हैं। तो चलो देखते हैं शादी। और अभी मैं जा रही हूँ शादी के स्थान पर, जो कि सामने अभी देख सकते हैं बहुत सारे चीज़ें वगैरह रखी हैं, जो कि हम लोग बोलते हैं पैंडल, घर के सामने जो सजाने के लिए चीज़ें वगैरह होता है वही रखे हैं। और वो सामने देख सकते हो, वही घर पे शादी है, बम्बू वगैरह लगाए हैं, लेकिन जो मतलब सजाने की चीज़ें वगैरह साइड में रखी है। और इस बच्ची को देख सकते हैं, मेहंदी थोड़ा सा लगाई थी तो मैंने बोला थोड़ा सा दिखा दो, तो दिखा रही थी। अभी मैं आ चुकी हूँ शादी वाले घर के ठीक पीछे, जहाँ पर बहुत सारे औरतें आस पड़ोस की सब्ज़ी वगैरह काट रही थी, तो मेहमान आने वाले हैं तो उनको खाना वाना खिलाना है, इसलिए सब्ज़ी वगैरह काट रहे हैं। अभी पकेगी खाना और मेहमान जो आएंगे उनको खाना वाना खिलाएंगे। की बात छे था हम तो मैडम बात छे दादा भालो लाग छे हाँ तो बाटो 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 कुंवारी लड़की जो बांट रही है उसको हम लोग बोलते हैं उपटन, और ये उपटन मतलब जिनका शादी हो रही है उनको लगाते हैं हम। निंदा रही है तो तू नहीं बोला हम के। तो आज इस घर में है शादी, जो कि सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, हमारे आदिवासियों में जो चीज़ें वगैरह लगती है वो सभी मिलकर बना रहे थे, और एक खेजूर का पत्ता है इससे बना रहे थे। और इस साइड देख सकते हैं बहुत सारे चीज़ें इकट्ठा करके रखे हैं, जो कि आज है शादी तो इसलिए सब तैयारी कर रहे हैं और सजा रहे हैं टोकरी को। तो हम लोग ज़्यादातर टोकरी यूज़ करते हैं, उसी पर ही सारी चीज़ें रखते हैं। और सभी देख सकते हैं ज़्यादातर वयस्क मतलब ओल्ड है, तो ज़्यादातर ओल्ड को ही पता है कि क्या चीज़ें वगैरह लगती है। और सामने देख सकते हैं दो तीन शायद मुर्गा और मुर्गी है, जो कि हमारे आदिवासियों में पूजा में लगती है। और ये सामने देख सकते हैं मेरा छोटी ननंद है, जो कि अभी अभी आई है। और अभी इस साइड देख सकते हैं दो ओल्ड मैन कुछ बना रहे थे, जो कि इसको शायद पोइता बोलते होंगे, थोड़ा थोड़ा मैं मुझे सुनाई दे रही थी। और इसके ऊपर मुझे मालूम नहीं कौन सा मंत्र वगैरह ये सब आर्ट कर रहे थे। और ये कॉटन का कपड़ा है वाइट में, और इनको मतलब जो जिनका शादी होगी उनको पहनाएंगे। और आप सभी देख सकते हैं एक हांडी में, जो कि हमारे आदिवासियों का स्पेशल दवा, जो कि आप लोग समझ जाइए ये नहीं तो काम भी नहीं होगा। और अभी देख सकते हैं हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर, जो कि मार्ट पर हमें थोड़ा सा पूजा वगैरह करना है और थोड़ा सा मिट्टी लगेगी, तो वही मिट्टी लाने के लिए जा रहे हैं, आप लोग देखो समझ जाएंगे। शुअर है जागल वाला। खंडरा
है इधर की तरफ। हाँ तो गे माय कितने शब्द है जय माता। अभी देख सकते हैं हम मतलब मिट्टी को थोड़ा सा भिगो रहे हैं, जो कि ये मिट्टी को हमें थोड़ा सा मतलब राउंड शेप में करना है, जो लड्डू शेप में होता है उसी टाइप करना है और सामने रखना है। 3 लड्डू पकाना है, मतलब ये खाने वाला लड्डू नहीं, ये मतलब पूजा वगैरह होगी यहाँ पर। तो आप लोग आगे तक देखिए समझ जाएंगे। और ये देख सकते हैं जो ये काठी टाइप का है, ये है मतलब करंज, शायद क्या पेड़ बोलते होंगे करंज, तो उसी का टहनी वगैरह छोटा छोटा है। और अभी देख सकते हैं वाइट मतलब वाइट कटन का कपड़ों को हल्दी में डुबो कर रखे थे, तो हल्दी वाला कपड़ा हो चुका है, तो उसी को उसके ऊपर डाल चुके हैं। और अभी लगाएंगे सिंदूर, तो और बाद में चावल वगैरह देकर पूजा करेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं तो रेडी हो वाले तो नहीं आते ही को हाथ हो दे दे माइर माए मन भी माए अभी देख सकते हैं इस कोदाल से मिट्टी वगैरह काटेंगे और पीछे जो लड़की है उसी को देगी और बाद में वो लड़की ले जाएंगे घर के अंदर। उगलो के तोले ना দাদার দাদা अभी देख सकते हैं कुंवारी लड़की मिट्टी लेकर आ चुकी है और यहाँ पर रख देगी जहाँ पर मतलब मंडप वगैरह होगी। तो ये देख सकते हैं ठीक है यहाँ पर ही मंडप वगैरह होगी, जो लड़का और लड़की का शादी होती है यहाँ पर ही इस मंडप पर ही शादी होती है। और ये लड़की मतलब
जिनका शादी हो रही है उनका बहन है और ये काम एक बहन ही कर सकती है, कुंवारी बहन, तो वो बहन थी। और अभी देख सकते हैं मंडप बनाने की तैयारी चल रही है और इस मंडप को एक घर के जमा ही बना सकते हैं। तो देख सकते हैं जो काम पर लगे हैं वो है इस घर के जमाई, ये जमाई मतलब मंडप वगैरह बनाएंगे। और ये मंडप जब तक तैयार नहीं होगी, बाकी जो भी पूजा वगैरह है वो अभी तक नहीं होगी। तो देख सकते हैं थोड़ा ही मतलब मंडप वगैरह सजाए हैं, मतलब मंडप को किया है, बाद में मतलब दूसरे दिन मंडप को अच्छे से मतलब बनाएंगे और सजाएंगे। तो अभी देख सकते हैं शाम हो चुका है, जो कि लड़के के तरफ से मतलब लड़की के वहाँ पे शादी करने के लिए जाएंगे, उससे पहले मतलब कुछ प्रोसेसिंग चल रही है, पूजा वगैरह हो रही है मंडप के सामने। तो ये पूजा वगैरह होगी फिर लड़के वाले निकलेंगे शादी करने के लिए, उससे पहले नहीं निकल सकते हैं। तो आप लोग देखो लास्ट तक समझ जाएंगे। চাটলি না হলে ভরিটাকে ভুখ লাগে যখন ইয়া করে ইয়া করবে একে বসে কই শুনা তো জোরে কে তো ভুলাই গীত আবার ভুলাই যাতে
सब जेनी ना कल हम एकटा नै खबै सर हमर गोला नै जाय जेनी लगतै तो अब लोग देख ही चुके हैं, मतलब गाड़ी वगैरह पूजा किया और बाद में सब लड़के भले चले गए हैं वहाँ पर लड़की को लाने के लिए, और लड़की को लाकर फिर यहाँ पर इस मंडप पे शादी वगैरह होगी। तो मैं, मेरे सासू माँ, मेरे बड़े मम्मी और दो ही बड़ी मम्मी है जो कि हम लोग नहीं गए हैं, तो जहाँ पर शादी है वहाँ पर थोड़ी देर के लिए आए थे और यहाँ पर बहुत ही मतलब हम लोग मस्ती किया और बहुत इंजॉय किया। तो देख सकते हैं हमारे गीत वगैरह गाते हुए मेरे बड़े मम्मी डांस वगैरह कर रहे हैं, हमारे आदिवासी इनका डांस, तो आप लोग देखो बहुत इंजॉय करेंगे। भले होते तो खराब नहीं। इसने तो दिखाई दे रही हो, तो पसंद है। अच्छा खेला है। धरन धरन से ये देखो शीशे ना धरन धरन डाडा के डाडा भरी आ गए धाडा भरा नहीं ना पर आप तक तक तो ना कदर दिस सब की तो ओ आज भी उठी दीदी ना के तो हम लोग बहुत इंजॉय किए अंदर घर के अंदर, और अभी जा रहे हैं घर के लिए अपने अपने, और अभी बहुत रात हो चुका है, कल भी आना है, कल शादी है। आप लोग पार्ट 2 ज़रूर देखिए, बहुत इंजॉय करेंगे।